नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनु लग्न यानी कि सजिटेरियस एसेंडेंट में शनि जब अस्त होंगे तो उनका प्रभाव हमारे जीवन पे क्या पड़ने वाला है, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने धनु लग्न का फरवरी 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, हम लोग अभी ये जानने का प्रयास करेंगे कि कोई भी ग्रह अस्त क्यों होता है। तो जब कोई भी ग्रह सूर्य के इतना निकट आ जाए कि उसके तेज और ओज से प्रभावित हो जाए तो ऐसे ग्रह अस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपके जो शनि विराजमान है यहाँ पे देखिए आपके तीसरे भाव में विराजमान है और सूर्य 13 फरवरी को गोचर कर रहे हैं और 17 फरवरी को शाम 7:21 से शनिदेव अस्त हो रहे हैं, जो कि 22 मार्च के सुबह 5:46 यानी कि 34 दिनों के लिए शनिदेव का प्रभाव हमारे जीवन पे क्या रहेगा, ये हम लोग को समझना रहेगा और शनिदेव अस्त हो जाएंगे। देखिए, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 9 नंबर लिखा हुआ है तो ये धनु लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। देखिए, शनि जो हमारे तीसरे भाव में विराजमान है ना, हमारे दूसरे और हमारे तीसरे भाव के स्वामी है जो कि हमारे तीसरे भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर शनिदेव आपके पराक्रम से आपके धन की वृद्धि कर रहे थे 17 जनवरी 2023 से, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहे थे, आपके छोटे भाई बहन के साथ संबंध में मजबूती ला रहे थे, पड़ोसी के साथ संबंध में मजबूती ला रहे थे। क्योंकि तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है, स्वयं के पराक्रम धैर्य का होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब शनिदेव अस्त होंगे तो जो आपके पराक्रम को बढ़ा रहे थे, जो आप में धैर्यता ला रहे थे, उसमें आप कमी महसूस करेंगे। छोटे भाई बहन के साथ जो रिश्ते में मजबूती ला रहे थे, उस रिश्ते में मजबूती में थोड़ा सा आपको कमी महसूस होगा। पर यहाँ पे देखिए, चूंकि आपके नवम भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 13 फरवरी को गोचर कर रहे हैं तो आपके छोटे भाई बहन आपके लिए लकी रहेंगे, पड़ोसी आपके लिए लकी रहेंगे, छोटे भाई बहन और पड़ोसी द्वारा आपके भाग्य उदय होगा। और शनि की देखिए 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके पांचवें भाव पे। और यहाँ पे देखिए, आपके पांचवें भाव में आपके गुरु विराजमान है और मंगल की दृष्टि भी 5 फरवरी से पड़ रही है और मंगल के घर में मंगल की दृष्टि 5 फरवरी से पड़ रही है। देखिए, पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपके शनिदेव की दृष्टि आपके पांचवें भाव में पड़ रही थी तो जो स्टूडेंट्स थे उनके पढ़ाई में उनको अड़चने आ रही थी, पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा था और मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। तो यहाँ पे देखिए, अब आपके शनिदेव जब अस्त होंगे वो दृष्टि का प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए, आपके मंगल के घर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है यानी कि स्टूडेंट्स का पढ़ाई अच्छा होने वाला है। साधना अगर आप करते हैं, साधना करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था तो साधना अभी आप अच्छा कर पाएंगे। खासकर देखिए, यहाँ पे 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में आप साधना अच्छा कर पाएंगे। स्टूडेंट्स को अपना पढ़ाई पे बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहिए, अभी मेहनत करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है, तो मेहनत थोड़ा बढ़ाइए स्टूडेंट्स खासकर। और यहाँ पे देखिए, आपके गुरु भी विराजमान है तो गुरु भी देखिए शनि की दृष्टि में थे तो गुरु पूरा फल नहीं दे पा रहे थे, तो अब गुरु आपके पांचवें भाव में बैठ करके आपके पढ़ाई के लिए अच्छा फल देंगे। वैसे भी आपको देखिए अच्छा फल तो दे ही रहे थे पर बुरे रूप से आपको फल नहीं दे पा रहे थे, अब गुरु अपना फल बढ़ाएंगे और आपको अच्छा फल देंगे। तो यहाँ पे आपको आपके पढ़ाई में मेहनत करना है। हालांकि देखिए, आपके प्रेम संबंध में भी जो आपका मन मुटाव चल रहा था, तो देखिए मन मुटाव और मतभेद दोनों आपके चल रहे थे, प्रेम संबंध हो गए या फिर आपके बच्चों के साथ हो गए, तो मन मुटाव और मतभेद दोनों चल रहा था। पर यहाँ पे आपके मन मुटाव जो है, मन मुटाव कम होने वाला है पर मतभेद बढ़ने वाला है। और यहाँ पे आपके देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आपके प्रेम संबंध हो गए, उनके स्वभाव में एग्रेसिवनेस बढ़ेगा। ऐसे भी जनरली देखा गया है कि देखिए, जो भी आपके धनु लग्न वाले होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं या फिर अगर आपके उनके जो प्रेम संबंध होते हैं उनके स्वभाव में एग्रेसिव होता है, उनको गुस्सा ज्यादा होता है। यहाँ पे आपके प्रेम संबंध जो है उनके गुस्सा जो बढ़ने वाला है, तो आपको इस चीज का इग्नोर करना है और थोड़ा सा आप समझदारी से हैंडल करेंगे तो ये समय निकल जाएगा और आप अपने प्रेम संबंध में प्रेमी या प्रेमिका हो गए उनके साथ विवाद से बचे, या फिर आपके जो बच्चे होते हैं कोशिश कीजिए कि देखिए उनका एग्रेसिव नेचर है तो उनको समझदारी से हैंडल करें।
और यहाँ पे देखिए शनिदेव की सातवीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके नसीब के भाव में पड़ रही है, और यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि 5 फरवरी से पड़ रही है। देखिए नवम भाव जो होता है जैसा कि मैंने आपको बताया भाग्य का होता है, धर्म का होता है, जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस का होता है, तो यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही थी तो आपका नसीब जैसा साथ देना चाहिए वैसा साथ नहीं दे पा रहा था 17 जनवरी 2023 से। हालांकि देखिए 22 अप्रैल से गुरु की दृष्टि भी पड़ना शुरू हुई थी 2023 से, पर गुरु की दृष्टि पड़ने के बावजूद भी नसीब आपका साथ तो कुछ दे रहा था, पर जैसा गुरु को फल देना चाहिए था वैसा फल आपको नहीं मिल रहा था। पर इस महीने में देखिए अब आपके जब शनि जब आपके अस्त होंगे तो गुरु पूर्ण रूप से आपको अपना फल प्रदान करेंगे, तो यानी कि आपका नसीब अच्छा साथ देने वाला है। आपके जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस के साथ अगर कोई मन मुटाव हुआ होगा तो उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में मिलेगा। बस यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान देना है जैसा कि मैंने आपको बताया मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो उनके स्वभाव में थोड़ा क्रोध बढ़ने वाला है, तो विवाद से बचें। और शनि की देखिए 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके 12वें भाव में पड़ रही है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, फॉरेन, जेल, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है, तो यहाँ पे देखिए आपका खर्च तो शनिदेव कम किए हुए थे पर आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 2रे भाव में विराजमान हैं, और यहाँ पे जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे थे उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उनके काम में बहुत ज्यादा अड़चनें आ रही थी, पर यहाँ पे देखिए जब शनि अस्त होंगे तो उनके काम में भी उनको सुधार देखने मिलेगा, और 5 फरवरी से कुछ सुधार उनको देखना मिलना शुरू हो भी गया होगा। और यहाँ पे जैसे शनि अस्त होंगे खासकर 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में तो आपको अच्छा सुधार मिलेगा। देखिए जो लोग विदेश संबंधित काम नहीं करते हैं यहाँ पे देखिए शनिदेव उनके खर्च पे कंट्रोल किए हुए थे, उनका खर्च कम करा रहे थे, चाहे वो हॉस्पिटल पे खर्च हो या फिर आपका दवाई पे खर्च हो उसको कम किए हुए थे, लेकिन अभी जब आपके शनि की दृष्टि हटेगी तो आपका खर्च बढ़ेगा। सेविंग्स में जो आपके पैसे होंगे वो 5 फरवरी से कहीं ना कहीं खर्च बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको को ध्यान देना है कि आपके खर्च पे आप कंट्रोल रख सकें। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए, और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।